हो गया। प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? दुलारे बच्चों, ध्यान देना, आज हम लोग पॉइंट वाला सीखेंगे, ठीक है? पॉइंट वाला का मामला क्या है, गौर फरमाइएगा, तो हम सब देंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम बाइनरी टू डेसिमल सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? अगर आपको दे दे 101.0001 दे दे ऐसा, वन डेसिमल में है, इसको हमको बदलना है, बाइनरी में है, इसको बदलना है किसमें? डेसिमल, ठीक है? इनका आज पहला क्लास है, प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा। अगर ये 101.101 है, टू द बेस 2 है, यही ना है, तो हम तो 101.101 इसको बदलना है, तो कैसे बदलना है? पहले तो इसका एक प्रोसेस हमने पूछा, इसको कैसे बदलना है, 1 × 2 to the power कै गो है? 2 प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 0। बोलो सही है कि गड़बड़ है? वन जीरो वन है, तो पॉइंट के इधर वाले को बदलेंगे हम ऐसे, 1 × 2 to the power 2 एक है, उसके बाद जो डिजिट है बोलो, फिर 0 × 2 to the power 1 पावर 0, सही है पॉइंट। अब इसको बदलते हैं 1 × 2 to the power 2 नहीं, ए रुक ना रे, ये पहला टर्म है, तो पहला टर्म है तो 1 × 2 to the power 0 बोलो ने, देखो ये पहला टर्म किधर गया रे, 1 × 2 to the power पहला है ना, ध्यान देना, फर्स्ट टर्म रहेगा तो 1 × 2 to the power ये पॉइंट से इधर 1 × 2 to the power 3 1 × 2 to the power 0 1 × 2 to the power 1 1 × 2 to the power 0 अब पॉइंट के इधर जब आप आते हैं तो 1 × 2 to the power पहला टर्म रहेगा तो -1, ध्यान देना ये 0 नहीं, पहला टर्म रहेगा तो करेंगे -1 प्लस 0, दूसरा टर्म है ये, इधर नहीं गिनना है, कैवा टर्म है ये देखना है, तो 0 × 2 to the power -2 बोले ने, प्लस 1 × 2 to the power -3। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, बुझा रे, बढ़िया समझो ना तो मामला हो जाता, पहला टर्म है तो 1 × 2 to the power 2 प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 to the power 0 ये तो पॉइंट में है, आ फिर ये टर्म आया पॉइंट के बाद तो 1 × पहला टर्म है 2 to the power -1 0 × 2 to the power दूसरा टर्म में है -2 फिर 1 × 2 to the power -3 यस सर बोलना बहुत आसान है, उस टाइम में पते नहीं चलेगा यहां -1 दें कि 0 दें कि 1 दें, दोनों साइड का प्रोसेस अलग अलग। अब चला 1/2 का वैल्यू तुमको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 0.5 बोलन रे, तीन को वैल्यू जो है ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1/2 का वैल्यू, ओ
देखो 1/2 का वैल्यू 0.5, 1/4 का वैल्यू 0.25, अब 1/8 का वैल्यू 0.125। ध्यान देना, तीन टर्म तक ज्यादा से ज्यादा तुमको परेशान करेगा। ये तुमको डायरेक्ट याद रखना है, 2^-1 यानी 1/2 ना हो, 1/2 बोले तो 0.5, 2^-2, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, और 2^-3, 1/8 इज इक्वल टू 0.125, इसके बाद जाओगे 0.625। बोलो रे, ई वैल्यू जैसे तुमको 2^-1 दिखे ना, अपने मन से 0.5, 2^-2 दिखे, 2^-3 दिखे। अब देखो ये सॉल्व कर लोगे, 2^2 = 4, ये तो 0 हो जाएगा, 2^0 था 1 × 1, 4+1 है रे, रे रे बाहर चल छोटा, जब मतलब खिलाओ बैठो चोर कहेंगे, 4 × 1 कितना 5, आप पॉइंट कर दोगे तो यहां 2^-1 है तो 0.5 हो गया, 0.5 प्लस ये तो 0 हो जाएगा ना, आप प्लस 2^-3 तो 0.125, इसको जोड़ दोगे ये आ जाएगा 4 × 1 = 5 ना, आप प्लस 0.625 is the answer, to the base 10 is the answer. बुझला रे? नहीं समझ गया, गो करेगा अभी। देखो सबसे पहले बनाने टाइम ही ध्यान रखना है, बड़ा बड़ा लिखना है फुटका फुटका के, ताकि दिक्कत न हो। हम एगो देते हैं, इसको तुम सॉल्व करना, 101.100 2^2 और 2^2। देखो एक मिनट, तुम लोग किताब कॉपी खोल लिया ना, एक मिनट होल्ड ऑन, मुंह से बना देगा बच्चा, 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 4 = 13.5, यहां से सीधे 1 × 2^-1 = 0.5, 13.5 2^10 इज द आंसर। नहीं बुझा? मैं बॉन्सर हो गया। इसके लिए आपको हर हाल में लाइफ बॉय साबुन से नहाना होगा, ठीक ना? और क्लास, पिछला क्लास अगर आप नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ है। 1 × 2, पिछला क्लास बता दे, 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, ई तो 1 है तो 1 × 2^-1 = 0.5, ई हो गया 8 × 4 = 13, 0.5 आंसर। काजी बुझा? हेरे हेरे हेरे, कितना टाइम हुआ है? सोवल रह गया, गड़बड़ बात ना है। कितना आराम का जिंदगी है आप लोग का, सूत भी जाते हैं, सोना चाहिए। दिन में अगर आप प्रोडक्टिविटी बहुत तीव्र होती है, लेकिन उसका समय सीमा बना लीजिए, ना तो गड़बड़ा जाएगा। बनेगा रे? बोलो रे महिला, बोलो ने, एक और देते हैं। ए लड़की, लिखे कि नहीं? दिमाग कहां बेच दी है? ओ सुन रहे हैं मामा, इसका पहलू याद कर लो, याद है कितना? याद हुआ तो एक सवाल बनाओ, आराम से बनाएगा। 1100.001,
टू द, जितने लोगों से बन जाएगा वो खाली हाथ उठाना, बोलेगा कोई नहीं, कोई नहीं बोलेगा, बना। ए फिर लिखता है रे, कह रे कलम नहीं छूना है, ऐसे देखो बनता है कि नहीं। ए लड़की किताब कलम नहीं छूना है, ऐसे देखो बनता है। एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनिया चार बारह पॉइंट। कैसे की बताओ तो, अरे बताओ कैसे की, इसको किए एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, तो आठ चार बारह, ये तीसरा टर्म है, यानी टू टू दिवा माइनस थ्री होगा, टू डिवा माइनस थ्री होगा तो पॉइंट वन टू फाइव होगा, तो 13.125 इज द आंसर। वही जो भी बोलो, नहीं बुझाया, ये और बनाओ, जल्दी ऑनलाइन वाले आंसर बताओ। ओ सुन, ऐ हल्ला करेगा, आंसर बताओ, बना रहे हैं। अरे छोट मलो, एक दो ना दो, दो दिन चार, चार दिन आठ, चार बारह, एक तेरह, ऐ दो दो पॉइंट फाइव आ पॉइंट टू फाइव, यानी पॉइंट आंसर बोलो ने, बुझा कि बोरम गया, नहीं बुझे रे, इस बार तुरंत पूछेंगे ना तो बोलो दिक्कत है ना, इधर बोलम दिक्कत है। इसको अगर आपकी जगह ई है, इमेजिनेशन पावर आपका अगर सही है तो बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा। 1101 इसमें कोई दिक्कत ना है, पॉइंट इसको आप बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, वन इंटू पहला टर्म है टू डिवाइड माइनस वन, प्लस वन इंटू दूसरा टर्म है टू टू दावर माइनस टू, इसको जब आप बदलिएगा तो वन बाई टू डिवाइड माइनस वन वन बाई टू, तो वन बाई टू को हम जीरो पॉइंट फाइव लिख सकते हैं, प्लस वन इंटू टू डिवाइड माइनस टू तो वन बाई फोर, वन बाई फोर को हम जीरो पॉइंट टू फाइव लिख सकते हैं, इसको ही जोड़ के हम कर दिए डायरेक्ट 0.75, तब कर दिए आठ चार बारह एक तेरह दशमलव सात पांच। बोलो हो राजा जी, 13.75 होगा, 13.175 नहीं होगा, पॉइंट के बाद वाला हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए एक और बनाइए, द्वारा आप इसे पूछेंगे, 1001.101 अपना अपना बनाएगा, कोई नहीं बोलेगा, नहीं फिर कॉपी किताब छूती है, ऐसे देखो ना ऐसे बनेगा, ट्राई इट। ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ, डब्ल्यू जी, विश्वजीत जी, कुमार रवि जी, पवन कुमार सिंह जी, अरे व्हाइट शर्ट भोज खाने आया है, पहला क्लास है आपका, आंसर बताइए। हाँ बना, इधर आओ तुम, किताब कॉपी लेके इधर आओ, व्हाइट शर्ट, यस बना रे, ए महिला 18 अगलो, इधर इधर आओ, यहां बैठो। अरे देखो, एक दूना दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो आठ एक नौ, पहला टर्म पे है टू टू दिवा माइनस वन जीरो पॉइंट फाइव, तीसरा टर्म पे जीरो पॉइंट वन टू फाइव, आंसर बोले रे रे, पिछला क्लास में था तुम, नहीं बोलेगा झूठ, आज पहला क्लास है तुम्हारा,
111.011, कोई नहीं बोलेगा। लड़की बताओ तुम क्या होगा? कैलकुलेट इट यार, बताओ क्या होगा आंसर? नहीं बना, हमको लगता है दिमाग खाली मेरे पास ही है, तुम लोग फालतू है कर रहे। 7 पॉइंट। अरे देखो इसके बदले में ना, इस टर्म के बदले में 0.5, इस टर्म के बदले में 0.25 और इस टर्म के बदले में 0.125। प्रॉब्लम क्या है? हम इसको कर देंगे 1 × 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 7। यहां आएंगे ई टर्म तो 0, ई टर्म 0.25, ई टर्म हो गया 1.25। जोड़ देंगे इन दोनों को तो जोड़ देंगे, तो यहां पर 0.25 जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो 5 × 5 = 7, 0.375। तब 7.0375। बोलिए। हेलो हेलो हेलो, ठीक है अब बोलिए, आंसर मिला बनेगा? आपको पहला टर्म पे अगर है तो उसके बारे में 0.5 सोचना है, दूसरा टर्म पे है 0.25 सोचना है, तीसरा टर्म पे है 0.125 सोचना है, आएगा तो देखेंगे, चौथा टर्म आएगा 0.625 सोचना है। ओ सुलरिया मामा बनेगा बनेगा रे, ये वो बनाओ लड़की तुम। 101 इसके लिए आप सोचिए 0.5, ये हो गया 0.125, 125 50। ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, 0.625 आंसर। ये दोनों को जोड़िएगा ना, बोलिए ना। देखो बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, हमको इतना को बदलना है, ठीक है? तो आप लोग बदल पाइएगा क्या है लिखाओ तो। 1 तो बदल के, फिर कलम छूती है लड़की, कलम नहीं छूना है। 1 × 2 × 2 = 4, 4 × 8 8 × 1 = 9। यार ये 0.5, 0.125, 0.625 का बुझाया, देखो यहां भी वही निकला होगा। भी जोड़ घटाओ गुना भाग करके लाया होगा यहां, किताब हमरे है लेकिन प्रोसेस किताबों का है, अन्य किताबों में ऐसे करके लिखता है बट वो कोई काम का नहीं है। इतना कोड डेसिमल नंबर में बदले बदलेगा 1101। कैसे? 1 × 2 × 2 = 4, 4 × 8 8 × 4 = 12, 1 = 13 आंसर। तुझे तेरी मोहब्बत का बनेगा 0.110 to the base 10। इसको दोलना 0.5,
आ 0.25 या यहां तक किसी भाई को, किसी बहन को दिक्कत है तो बताओ, दीदी को दिक्कत है, चाची को दिक्कत है तो बताओ, बताओ। ओ सुले बनेगा, हैव यू एनी डाउट? पक्का? चलवा रे चलवा, पैसा दिया न पूरा रे, तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। बाकी न है, देखो चला, हम जितना तोरा पढ़ाएंगे तो और पैसा कंप्लीट वसूल हो जाएगा, कंडीशन सप्लाई, पूरा पैसा देना है, क्लास भी पूरा करना है, क्लास में गड़बड़ी गड़बड़ जाए, हो गया, बदल दीजिएगा आप। अब आते हैं, ये तो था बाइनरी टू डेसिमल, अब आते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ओ सुन रहे हैं मामा, ओ सुन रहे हैं मामा, ना 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 ना। डेसिमल होगा तो जीरो से लेकर नौ तक का लेटर होगा, बाइनरी में जीरो से एक तक, ऑक्टल में जीरो से सात तक, हेक्साडेसिमल में जीरो से पंद्रह तक। पंद्रह यानी दस के लिए ए, ग्यारह के लिए बी, बारह के लिए सी, तेरह के लिए डी, सही है ना? अगर मान लो यहां पच्चीस रहेगा, टू द बेस टेन रहेगा, इसको टू द बेस किसमें कितने में बदलना है? बाइनरी में बदलना। एक उपाय अगर है, दूसरो उपाय है, हम तोरा बताएंगे देखो कैसे। पहले तो तुम्हें एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह लिख लिया। लिखने के बाद तुम्हें देखो केकरा केकरा जोड़ के पच्चीस आ रहा है, सोलह चार बीस चार चौबीस एक, इसको इसको जोड़ के पच्चीस आ रहा है, तो एक 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 जीरो जीरो आंसर। जुगाड़ अगर तुम भागा तागा नहीं देना चाहते हो तो ठीक ना, और नहीं तो अगर प्रोसेस क्या है वो भी बता देते हैं। प्रोसेस है 25 में भाग देना है दो से, दो से भाग 24, जिस से फल हुई यहां जय मर्तबे हुई यहां, जैसे बच्चा हुई यहां दो से छ, शेष में बचा जीरो, दो से तीन, लिखना नीचे से है, इसको कहते हैं हम एलएसडी, इसको कहते हैं यूएसडी। ठीक है, नीचे से ऊपर लिखना है तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो 1 1 0 0 1 है, बोलो ने लिख लोगे, जितना तवे लगेगा वो यहां, और जो शेष बचेगा वो यहां नहीं, यहां बोलो ना हो राजा। चला अभी से एग्जाम तक खाली तुम अपना शनिवार रविवार वेस्ट मत करो। अभी भी देखो आज भी रेलवे मिनिस्टर का बयान आया है कि 1,49,000 पद खाली हैं, जिस पर जिस रिक्तियों को बहुत जल्द भरा जाएगा। आज मंत्रालय में संसद भवन में उन्होंने खड़े होकर यह बात कही है, कल तो वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो तुमको हम बार बार बोलते हैं शनिवार रविवार सोकर नहीं गुजारना है, शनिवार रविवार हर टेस्ट में इन्वॉल्व होना। सोमवार को साइंस का टेस्ट होता है 12 बजे से, ओकरा तो एकदम जहर बना लोगे, ओकरा हर हाल में ओकरा पी लेना है। साइंस टेस्ट शनिवार को 12 बजे 10% फी है, 3 घंटा डिस्कशन चलता है। अभी से 6 महीना बाद भी एग्जाम होगा ना तो 200% से बेसी खर्चा नहीं होगा, 30% खर्चा होगा, 40% 6 महीने बाद एग्जाम होगा तब 240% खर्चा हो,
हम बार बार बोलते हैं तुम पटना में इसलिए नहीं आए होगे, 1500 टका का खाना खाओ, 1500 टका का रहो, तुमको 100-200 रुपया हर हाल में पढ़ाई में खर्च करना होगा। अभी हम तुमको जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे तो ऑनलाइन टेस्ट मारिए बिग बूस्टर पे, लेकिन ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, एक शनिवार का और रविवार का, ये तीन टेस्ट तुमको हर हाल में देना है। शनिवार को 12 बजे से साइंस टेस्ट होता है और 4 बजे से रीजनिंग टेस्ट होता है, और रविवार को 4 बजे से जीएस का फुल टेस्ट है। 100 क्वेश्चन, 10 टका एकर फी, 10 टका एकर फी, 10 टका एकर फी, पूरा महीना में 120 टका महीना तुम्हारा खर्च होगा। तो चला तुम जिस चीज के लिए आया है उसमें तुमको 100 रुपया भी तो खर्च करना पड़ेगा। हम बार बार सबको ही जागृत करते हैं, आ नहीं तो ही तुम समझ लोगे 2019 का वैकेंसी 2023 में आने जा रहा है, तब 2024 के बाद 2028 में आएगा। इस बार अगर नहीं हो पाया तो 2028 तक तुम ऐसे ही पटना में रह जाएगा। ये तीन को टेस्ट खाली तुम अगर देते रह गया तो तुम्हारा 30% है जॉब, 30%। इसलिए हर बच्चा ये तीनों टेस्ट, कहीं रहो तुम, ये तीन टेस्ट के टाइम अपना दिमाग सेट कर लो कि हमको जाके बैठना है। इसमें पैसा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जीएस टेस्ट में तुमको 3 घंटा बैठना पड़ेगा, साइंस टेस्ट में तुमको 3 घंटा बैठना पड़ेगा, रीजनिंग टेस्ट में तुमको 3 घंटा बैठना पड़ेगा, ये मैटर करता है। तो अगर आप कोशिश कीजिए सर, ये तीनों टेस्ट अभी से एग्जाम तक, इतना लड़का हमको मिला है, चाहे वो ड्राइवर में है या टेक्नीशियन में है या रेलवे में है, उससे हम पूछे तो बोला कि सर आपका ये साइंस टेस्ट कभी नहीं छोड़े, रेगुलर करते रहे, जिससे हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। चूंकि सर एएलपी में ही आप ले लीजिएगा तो 38 नंबर का आपका फिजिक्स रहेगा खाली 100 में, 55-60 में मेरिट बनता है, तो रिजल्ट नहीं हो ऐसा संभव नहीं है। साइंस एक मेन फैक्टर होगा और रीजनिंग में स्पीड बहुत जरूरी है। कोई स्टैटिक ऐसा चीज है चला कि कितनों पढ़ोगे तो कम है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होना है। कोशिश कीजिए करने का। और ऑनलाइन वाले बच्चे बिग बूस्टर पे आप टेस्ट दीजिए। क्या कुछ बोलना है? पानी तो थोड़ा सा दे दो यार। अगला अगला हम चलते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए कि आपको, अब चलिएगा थोड़ा सा, अगर आपको दे दे 28, डेसिमल है, डेसिमल में कितना से कितना तक का अंक रहेगा? 0 से 9 तक का। टू द बेस्ट 10 को टू द बेस्ट 2 में बदले, बदलो जल्दी। भाग दुष्ट लड़की, 28 पूर गया तो हर 8 2 10 न हुआ रे। नहाया करो डेली। जल्दी बताइए ऑनलाइन वाले, पीक बूस्टर नाम का एक ऐप है, वहां पे आप दे सकते हैं। पीक बूस्टर नहीं, बिग बूस्टर। भागा दोन रही, जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं आता है दुष्ट लड़की को। देखो गोंगो 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 गोंगो, ऐसे जाके नाना मर जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। दिया रे, कहाँ दिया तुम, जुगाड़ लगा दिया, कितना आया? 28 सेंट चला। तो 2 से 2 गए, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई लड़की, इधर देखो, 2 से देखो 14, 0 14 तो नहीं, 28 तो कुछ बचा नहीं ना, 0। 2 से फिर देंगे 7, 2 3 6 1, गलती था तो। और अगर ऐसे करना चाहते हो तो 1 2 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 4 20, 4 24, 4 28, 1 1 1 0 0। हाँ चिल्ला, जितना तक में ये 28 वाला आएगा ना उतने तक आगे बढ़ना है। 16 दुनी तुम 32 कर दोगे तो 32 ले लोगे तो 28 से ज्यादा ना हो जाएगा रे।
बोलो कैसे काम चलेगा, इस बार बना लोगे? 56 बनाओ, ओ सुलरिया मामा। चला देखो, पढ़ा हम सकते, दिमाग हम नहीं दे सकते हैं, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। हम पढ़ाते सबको हैं, जिसके आप दिमाग सही रहता है अगर काम हो जाता है, दिमाग गड़बड़ है नहीं होगा। माथा दर्द शुरू हो गया है ना? बना रे तुम लड़की, 56 है रे, 56 तक तुम गई है। पहले पहले भागा दे के बनाओ, तुम वो शॉर्टकट में मत जाओ, भागा दो। हाँ तुझसे कई मरते हुए कटेगा, सब खा पी गई। 28 दुनी 56 नहीं होता है, वहां तू बचेगा, 0 बचेगा, पूरा कटने गया। फिर 2 से 2, ये लगता है हम पहला दूसरा के बच्चा को पढ़ा रहे हैं। हाँ कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 से 2, द्वितीया 6 ना, 3 मरतबे कटेगा। फिर 2 से 2, एक और दो, एक दो। हाँ अब नीचे से ऊपर लिख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं बने, अरे बोर्ड हिल रहा है, अरे कैमरा नहीं हिला ना। अरे 2 से काटेंगे 28, बोर्ड नहीं है, नहीं लगा, कैमरे हिल सकता है। 2 से काटेंगे 28, 28 दुनी 14 56, यहां बचा 0, 2 से काटेंगे 14। क्या नहीं बनेगा? सुल रे मामा अनन, कैसे बनेगा? एक जुगाड़, 105, जो कि आपका बुक किया होगा। से बनेगा 2 से काटोगे 52, 52 दुनी 104, बहुत कमजोर है, इसे नहीं काम चलेगा। 2 से काटेंगे 52 दुनी 104, 1 बचेगा। 2 से फिर 26 0 बचेगा। 2 से फिर 3 0 बचेगा। 2 से फिर 6 1 बचेगा। 2 से द्वितीया 6 1 बचेगा। 2 एकम 2 1 बचेगा। सही है ना? बोलो नहीं। हो गया,
आज जुगाड़ से करोगे तो 105 पुराना बड़ा वाला में जुगाड़ काम नहीं करेगा, बड़ा वाला में निकालना पड़ेगा, उतना को जोड़ना पड़ेगा तब ना काम होगा। बड़ा वाला में जुगाड़ नहीं लगेगा, और लगाओगे तो लग ही जाएगा। एक दुना दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, बत्तीस दुनी चौसठ, 128 बन जाएगा। चौसठ चौसठ बत्तीस, चौसठ दो छियासठ तीस, छियानवे 104, एक क्या। लेकिन ये बड़ा वाला के लिए भाग्य ठीक रहेगा, एक में थोड़ा रिस्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कोई रिस्क नहीं है, दिमाग नहीं लगाओगे तो रिस्क है। बोलो, एनी डाउट है तो बोलो। चला चल रहे आम, आप बना लेगा पक्का। 26 बताओ कितना। कलम चलना चाहिए पार्ट पार्ट, जीरो, दो से छ एक, दो से तीन जीरो, आंसर बोलो। आना तो एक दुना दो, दो चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह चार बीस, चार चौबीस, दो छब्बीस, वन 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 जीरो जीरो, आंसर बोलो। बोलो ना चलवा, बुझाता कि ना बुझाता। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली क्लास आपकी शनिवार को होगी, और शनिवार को कितने बजे से, साढ़े चार बजे, चार नहीं भाई, 4:25 से, और एग्जाम है क्या चीज का, कितने लोगों का है, रविवार को ना है रे, शनिवार को चल जाएगा। शनिवार को कई तारीख है, तो जैसा कहेगा 26 को छुट्टी रख देंगे। बहुत बच्चों का फायरमैन का एग्जाम भी है। अरे तोहर ना है, जगर दूर में है, और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बहुत लोगों का होम सेंटर होगा। ऑनलाइन में कितने लोगों का एग्जाम है, एक टाइप करो, क्या करना है बोलो, जैसा बोलेगा कर देंगे। जगह छूट जाएगा, ये चैप्टर छूट जाएगा। कितने लोग चाह रहे हैं कि बंद रहे, ये बेचारों का एग्जाम है, ये वो काम करते हैं, फिर रविवार को भी तो नहीं पढ़ा सकते। बहुत लोगों का एग्जाम है यार, इसमें भी मैं सोमवार मंगल, फिर तो मंगलवार को क्लास होगा, ऐसे शनिवार को भी नया बैच मेरा अनाउंस है, शनिवार को ऑलरेडी है इसमें। हाँ अरे नहीं ना होगा, पढ़वे करेगा, ठीक है क्लास है।